हेलो दोस्तों, आज वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बीपीएड की कट ऑफ गई थी सेशन 2020-21 की, उसके बारे में बात करेंगे। डीयू का सिर्फ एक ही कॉलेज है आईजीआईपीएस जहां पर बीपीएड कोर्स होता है। तो आईजीआईपीएस की कितनी कट ऑफ गई थी पिछले साल, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फाइनल कट ऑफ बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो फाइनल कट ऑफ तैयार की जाती है वो किस बेसिस पर तैयार की जाती है, आपके रिटन एंट्रेंस टेस्ट पर प्लस आपके पास कोर्स सर्टिफिकेट किस लेवल का था, उस पर कितने मार्क्स मिले थे, उस बेसिस पर तैयार की जाती है। अब अगर रिटन एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो वो 400 मार्क्स का होता है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कितने मार्क्स के होते हैं, मैक्सिमम 40 मार्क्स के होते हैं। और जो फाइनल मेरिट तैयार की जाती है वो कितने पर तैयार की जाती है, 60% वेटेज होता है उसमें रिटन टेस्ट का और 40% वेटेज होता है उसमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। तो ये पैटर्न पिछले साल फॉलो किया गया था और इस साल भी यही सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसी के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। पिछले साल भी फिजिकल टेस्ट नहीं हुआ था, इस साल भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है हमारे लिए समझना जरूरी, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो डीयू में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। तो डीयू में ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतने मार्क्स आएंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। क्वालिफाइंग के रूल ये है कि टोटल जितनी भी सीट्स हैं, जैसे कि मैं बीपीएड कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूं, तो बीपीएड में टोटल 63 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तो इन टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मल्टीप्लाई आप 5 से कर देंगे और जितना भी आएगा उतने ही स्टूडेंट टोटल क्वालिफाई माने जाएंगे। जैसे कि टोटल सीट्स कितनी है, 63 है, तो 63 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ 315 स्टूडेंट्स ही रिटन टेस्ट में क्वालिफाई माने जाएंगे। अब ये जो 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ये भी कैटेगरी वाइज ही किया जाएगा, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जर्नी वहीं पर खत्म हो जाएगी, उनका एडमिशन फाइनली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्वालिफाई करना जरूरी है। अब कितने थे क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज पिछले साल 2020-21 सेशन में, तो पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितने पर गई, पहली कट ऑफ कितने पर गई, दूसरी कट ऑफ कितने पर गई, ये मैं आपको बताऊंगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं हम, रिटन एंट्रेंस टेस्ट में कितने कितने थे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के थे 140 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के थे 125 मार्क्स, एससी कैटेगरी के थे 103 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के थे 79 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे 63 मार्क्स। मतलब कैटेगरी वाइज मिनिमम अगर इतने इतने मार्क्स स्टूडेंट्स के आए थे तो उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया था, ये माना गया था कि हाँ इन्होंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है। और अब जो नेक्स्ट राउंड है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का, उसमें उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। और ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं ये कितने में से हैं, 400 में से हैं। यानी 400 में से अगर 140 नंबर आए अनरिजर्व के तो माना जाएगा कि उसने क्वालिफाई किया, 125 ओबीसी के आए तो माना जाएगा कि उसने क्वालिफाई किया। तो मैंने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बता दिया है, रिटर्न टेस्ट में मिनिमम कितने आए थे जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, ये पिछले साल की बात की जा रही है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर जो कि है फाइनल कट ऑफ, मतलब रिटर्न टेस्ट प्लस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दोनों को मिलाकर फाइनल कट ऑफ कितनी थी। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, फर्स्ट कट ऑफ जो आपकी गई थी वो अनरिजर्व कैटेगरी की थी 45.35 पर, ओबीसी की थी 35.65, एससी की थी 30.65, एसटी की थी 21.3, ईडब्ल्यूएस की थी 27.2 और सीडब्ल्यू कैटेगरी की थी 22.95। ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी, ये फर्स्ट कट ऑफ है जो कि मैंने आपको शो करी है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आए थे मिनिमम उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ था। तो देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है, लेकिन इसी तरह से कट ऑफ गई थी पिछले साल और लगभग हर साल इसी के आसपास ही रहती है, थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है। तो इस साल भी आपको जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो देखने को मिलेगा कुछ इसी के आसपास कट ऑफ आपको मिल सकती है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा अंतर आ जाए और हो सकता है ना भी आए, तो वो तो कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पिछले साल की जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो इतने पर ही गई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं, फर्स्ट कट ऑफ में हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, 61 थे हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब सर्टिफिकेट प्लस रिटर्न को मिला करके जो हाईएस्ट मार्क्स आए थे बीपीएड के अंदर पिछले साल वो थे टोटल 61, 61 से ऊपर नहीं गए थे किसी के भी मार्क्स, 61 वाला स्टूडेंट ही टॉपर था पिछले साल का। तो ये फर्स्ट कट ऑफ है। अब क्या होता है, फर्स्ट कट ऑफ में हमेशा सारी सीटें नहीं भरती हैं, कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट किसी वजह से एडमिशन नहीं लेते हैं, वो कोई भी रीजन हो सकता है, हो सकता है उन्होंने कहीं दूसरी जगह एडमिशन ले लिया हो, हो सकता है उन्हें पता ना चला हो, हो सकता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ना कर रहे हो और कॉलेज ने उन्हें एडमिशन ना दिया हो। तो किसी भी कंडीशन में अगर सीट्स खाली रह जाती हैं किसी भी कैटेगरी की तो उसके लिए सेकंड कट ऑफ निकाली जाती है। तो पिछले साल सेकंड कट ऑफ भी आई थी, फर्स्ट कट ऑफ में जितनी सीट्स खाली रह गई थी उन्हें भरने के लिए। तो सेकंड कट ऑफ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, दिख रही है आपको अनरिजर्व कैटेगरी की जो सेकंड कट ऑफ गई थी वो गई थी 44.15 पर, ओबीसी की थी कट ऑफ 33.15 और एसटी कैटेगरी की थी 21 पर गई थी कट ऑफ, ठीक है।
अब ये जो SC कैटेगरी, EWS कैटेगरी और CW कैटेगरी आपको ब्लैंक दिख रही है, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि इन कैटेगरीज की फर्स्ट कट ऑफ में ही सीट्स फुल हो गई थी, इसलिए सेकंड कट ऑफ में इनका नाम ही नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, अनरिजर्व की सीट्स बच रही होंगी इस वजह से उनकी सेकंड कट ऑफ आई, OBC की बच रही होंगी इस वजह से सेकंड कट ऑफ आई, ST की बच रही होंगी इस वजह से सेकंड कट ऑफ आई। ठीक है, तो ये सेकंड कट ऑफ थी जो कि मैंने आपको बताई। उसके बाद थर्ड कट ऑफ BP8 की लास्ट ईयर नहीं आई थी, इन दो कट ऑफ के बाद ही सीट्स फुल हो गई थी BP8 कोर्स की। ठीक है दोस्तों, तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन कट ऑफ के बारे में मैंने आपको दे दी है। फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी पिछले साल, इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स रिटर्न के कितने गए थे पिछले साल, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं और दूसरी भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं। अब इस साल से आप कंपेयर कर सकते हैं उसे और थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कितना इस साल का हो सकता है। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।